तो आ गया एक और नई वीडियो के साथ हूँ आप इस। तो गाइस आज के वीडियो में हम आपको इंस्टाग्राम ऐड कैंपेन के बारे में डिटेल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे आप जो है सिर्फ 80 रुपये से इंस्टाग्राम पर एड्स रन करा सकते हो। सारी प्रोसेस को हम अपने मोबाइल से ही फॉलो करने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको एक फ्री ट्रिक बताई है जिससे आप जो इंस्टाग्राम पर फ्री एड्स रन करा सकते हो। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको जो सिर्फ 5 स्टेप में पूरा इंस्टाग्राम ऐड कैंपेन का ट्यूटोरियल दे दूंगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। नीचे आपको जो आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और गाइस अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर मुझे फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने जो है यूट्यूब और भी बहुत सारे अर्निंग के रिलेटेड जो सोर्स है वो आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। उसके बाद आप देखोगे तो आपको ऊपर 3 लाइंस का ऑप्शन दिखता है जिसे मैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट का, आपको अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट। अब यहाँ पर मेरा स्विच टू पर्सनल अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पहले से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट है। अगर आपका पहले से बिजनेस अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको जो स्विच टू बिजनेस अकाउंट दिखाई देगा, तो आपको जो स्विच टू बिजनेस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। एक ही क्लिक में आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है स्विच टू पर्सनल अकाउंट दिखाई देगा। अगर आप पर्सनल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वापस से आपको जो इस पर क्लिक करना होगा, तो आपको स्विच टू बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जो अपना अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद आपने अपने इंस्टाग्राम में जो भी फोटोज या वीडियोस को शेयर किया है उस वीडियो के नीचे आपको जो प्रमोट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको जो सारे वीडियोस और फोटोज को चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो सारे फोटोज और वीडियोस के नीचे जो प्रमोट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा जब आप जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पर मेरे जो सभी फोटोज़ में प्रमोट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो गाइज अभी यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप किसी भी फोटो या वीडियो के नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रमोट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे आप जो प्रमोट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको जो प्रमोट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे आप प्रमोट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कनेक्ट टू अ फेसबुक पेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोगों को पता होगा कि फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तीनों जो है एक ही कंपनी के प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपको जो अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो उसमें हम जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट करने वाले हैं। तो सेकंड स्टेप के लिए गाइस नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है क्रिएट पेज का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपके पास पहले से कोई फेसबुक पेज नहीं है तो यहाँ पर आप जो है क्रिएट पेज पे क्लिक करके एक नया फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई फेसबुक पेज है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो अपना इंस्टाग्राम को क्लोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम क्लोज करके अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद गाइस ऊपर साइड में आपको जो है 3 लाइंस दिखाई देगी, तो आपको इन 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं 3 लाइंस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपकी प्रोफाइल के नीचे आपको जो आपका पेज दिखाई देगा जो भी आपने पेज क्रिएट किया था। तो यहाँ पर अभी मेरा जो टेक जूनियर नाम से एक फेसबुक पर पेज है तो मैं इस पेज को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो आपको जो भी पेज है आपको उस पेज को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर भी मैं पेज पे क्लिक करके इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप जो अपने पेज को ओपन करोगे आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको कुछ सेक्शन दिए जहाँ पर ओवरव्यू, रिसोर्सेज एंड टूल वगैरह लिखा है, तो आपको इसे स्क्रॉल करके लास्ट में लिखा जाना है जहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा। आपको मोर ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जो मोर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने जो इस तरह की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, जिसे मैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता दूंगा। आपको जो सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जो सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो इंस्टाग्राम का एक लोगो दिखाई देगा, तो आपको इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जो इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा आपको जो है फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट अकाउंट का, तो आपको जो ब्लू वाले कनेक्ट अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, हमारा जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम अकाउंट है दोनों जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद जो भी आपका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे लोगो दिखाई दे रहा है, यानी कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, और उसके नीचे लिखा है कंटिन्यू एस, तो आपको जो कंटिन्यू एस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जो कंटिन्यू एस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारा फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज जो है कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से हमें हो जाना है बैक, क्योंकि हमारा जो सेकंड स्टेप थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं हो जाता हूँ बैक। और गाइस अगर कभी आपको अपना फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर आपको जो बैक लेना है, यहाँ से जैसे आप बैक लोगे तो यहाँ पर आपको जो डीएक्टिवेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो डीएक्टिवेट के लिए आपको सेम प्रोसेस करनी होगी, आपको इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जो इसे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मैं जो फेसबुक को क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं यहाँ पर आपको एक फ्री ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप जो इंस्टाग्राम पर फ्री एड्स रन करा सकते हो, तो उसके लिए आपको जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो 10 रुपये का साइन अप बोनस मिल जाएगा जिसे आप जो गेम खेलकर और भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो 25 से ज़्यादा गेम्स मिल जाते हैं जिसे आप जो खेलकर पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ गाइस इसमें आपको जो रेफर अर्निंग का भी सिस्टम मिल जाता है और यहाँ से मैंने जो 1700 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग अभी तक कर लिए। तो अभी मैं रेफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप विंडो सुपरस्टार में आओगे तो यहाँ पर मैंने जो 149 रेफर करके 1700 रुपये से भी ज़्यादा की अर्निंग कर लिए इस एक एप्लीकेशन से। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर फ्री में एड्स रन कराना चाहते हो तो आप जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इस एप्लीकेशन को अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ शेयर करके वहाँ से जो रेफर इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी रेफर अर्निंग आएगी उसे आप जो अपने पेटीएम UPI या बैंक ट्रांसफर के जरिए जो है अपने पास ले सकते हो। और गाइस आपको इंस्टाग्राम एड्स के लिए जितना भी पैसा लगने वाला है यहाँ पर आप जो गेम खेलकर और कुछ रेफर करके भी कमा सकते हो। यहाँ पर मैंने जो 1700 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग कर ली है और उसी अर्निंग से अभी मैं जो आपको एड्स रन करके बताने वाला हूँ। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 10 रुपये का साइन अप होना चाहिए तो आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार जाकर इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई करना। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में आप जिस भी इमेज को प्रमोट करना चाहते हो या जिस भी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो तो उसको आपको जो अट्रैक्टिव बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने अपना प्रोफाइल ओपन किया, यहाँ पर जो मेरी सेकंड पोस्ट है इस पोस्ट में मैंने गाइस माइक को प्रमोट किया है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मैं माइक को प्रमोट करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने जो 5 बेस्ट माइक निकाले हैं उसकी प्राइस कितनी है, उसकी डिलीवरी चार्जेस कितना है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सब कुछ मैं जो है एक ही पोस्ट में यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर मैंने जो माइक की पोस्ट भी दिखाया। अगर कोई भी माइक को परचेज करने में इंटरेस्टेड होगा तो वो मेरी पोस्ट देख के जरूर से क्लिक कर देगा, क्योंकि उसे जो यहाँ पर माइक की इमेज भी दिखाई जा रही है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, अच्छी बात है क्या है, सब कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसकी प्राइस क्या है, कौन सी कंपनी का है, सब कुछ जो है उसे पोस्ट में दिखाया जा रहा है। तो अगर वो माइक परचेज करना चाहता है तो जरूर से मेरे जो है इस पोस्ट पर क्लिक कर देगा। तो ऐसे आप जो किसी भी इमेज को या किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना चाहते हो तो आपको उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव इमेज में बनाना है। यहाँ पर अगर आप वीडियो प्रमोट करना चाहते हो तो आपको वीडियो भी जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें वॉइस क्वालिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं माइक प्रमोट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो भी आपकी इमेज है, वीडियो है, उसके नीचे जो प्रमोट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है आपको जो सिंपली प्रमोट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमने जो अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट तो कनेक्ट कर लिया है तो प्रमोट पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट वेयर टू सेंड पीपल। इसका मतलब ये है कि आप जो है लोगों को कहाँ पर भेजना चाहते हो। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि योर प्रोफाइल, योर वेबसाइट और योर डायरेक्ट मैसेज। योर प्रोफाइल का मतलब है कि आप जो है लोगों को आपके प्रोफाइल पर लेकर आना चाहते हो ताकि आपके जो इंस्टाग्राम पर फॉलोवर है वो बढ़ जाए या आपके पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए। तो अगर आप चाहते हो आपके इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोवर्स हो जाए या लाइक बढ़ जाए तो आपको जो योर प्रोफाइल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलता है योर वेबसाइट का, इसका मतलब ये है कि आप किसी लिंक पर लोगों को भेजना चाहते हो जैसे किसी यूट्यूब वीडियो पर या किसी वेबसाइट पर। तो अगर आपको वेबसाइट पर लोगों को भेजना है या यूट्यूब वीडियो पर लोगों को भेजना है तो यहाँ पर आपको जो योर वेबसाइट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद तीसरा आपको ऑप्शन मिलता है योर डायरेक्ट मैसेज। अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो और आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपसे कॉन्टैक्ट करें उस प्रोडक्ट के लिए तो आपको जो योर डायरेक्ट मैसेज को सिलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं जो है माइक को प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं योर वेबसाइट को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो अपने वेबसाइट का URL जो है ऐड कर देता हूँ। तो मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके वेबसाइट का URL है या जो भी आपके यूट्यूब चैनल का यूट्यूब वीडियो का URL है आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एक्शन बटन का। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि लर्न मोर, शॉप मोर, ताकि आपका जो यूज़र है वो उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आपके वेबसाइट पर या जो भी आपने लिंक प्रोवाइड किए वहाँ पर वो पहुँच जाए। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आगे आपको जो मैं प्रीव्यू बता दूंगा कि ये जो बटन है वो आपको किस तरह से शो करे जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं जो लर्न मोर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन इसी पे सिलेक्ट करने देता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, साइन अप। तो फिलहाल मैं जो लर्न मोर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर जब आपको राइट टिक मिल रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस हमारा जो काम हो चुका है उसके बाद ऊपर आपको साइड में एरो दिखता है, आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमने जो बता दिया कि हमने ट्रैफिक कहाँ पर भेजना है, अब यहाँ पर हमें ये सिलेक्ट, अब उसके बाद जो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हम जो है कौन से ऑडियंस को एड्स दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट टारगेट और ऑडियंस का। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम किसी को भी ऐड दिखा देगा। बट यहाँ पर अगर आपको कम पैसे में ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है या ज़्यादा अगर आपको एड्स पहुँचाना है तो यहाँ पर आपको जो है क्रिएट योर ओन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम जो अभी खुद की एक टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको जो क्रिएट योर ओन का ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो ऑडियंस का नेम दे सकते हो, तो ऑडियंस के नेम में आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइक, और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। तो लोकेशन में आप जो कोई भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ के लोगों को आप जो ऐड दिखाना चाहते हो। तो कंट्री में फिलहाल मुझे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 4-5 कंट्री है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर मैं जो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से जो है यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लोकल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी लोकल एरिया में ही ऐड दिखाना चाहते हो तो आपको लोकल पे भी, लोकल का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप जो लोकल एरिया के लोगों को भी जो है ऐड दिखा सकते हो। यहाँ पर अभी मैंने जो कंट्री सिलेक्ट कर ली, ऊपर जो राइट टिक का ऑप्शन मिल रहा है मैं इस राइट टिक पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपकी कंट्री सिलेक्ट हो गई है उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप जो है अपने एड्स को कौन से ऑडियंस तक भेजना चाहते हो। जो लोग मोबाइल में इंटरेस्टेड है, जो लोग माइक में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको जो उसे सिलेक्ट करना होगा। तो अभी मैं इंटरेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपका वीडियो है उसके रिलेटेड जो यहाँ पर इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जो माइक को प्रमोट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे जो माइक के रिलेटेड जो भी ऑडियंस है उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि कुछ इंटरेस्ट वाले लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया यूट्यूब, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ माइक्रोफोन्स, उसके बाद ऑडियो क्वालिटी, ये सब जो है कैटेगरी जो है यानी यहाँ पर मैं जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो यूट्यूब, टेक्नोलॉजी, माइक्रोफोन, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, इन सभी को जो सिलेक्ट कर लिया है। अब इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है उसी को जो है मेरी ऐड दिखाई जाएगी, आलतू फालतू लोगों को जो ऐड नहीं दिखाई जाएगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमें इंप्रेशन भी ज़्यादा मिलेगा और क्लिक भी जो है ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर अभी जो मैंने अपनी इंटरेस्ट में ऐड कर दिया है सब कुछ। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वीडियो है, आपको अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ पर जो इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अपने से सारे इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आपको कुछ सजेस्टेड भी किए जाते हैं इंस्टाग्राम की तरफ से, तो आप जो उन सजेस्टेड में से भी कुछ जो है इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा जो सब कुछ हो चुका है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो है 4 से 5 इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिए है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एज एंड जेंडर का। तो यहाँ पर आपको एज एंड जेंडर का मतलब ये है कि आप जो है जो एड्स है वो कितने एज के अंदर दिखाना चाहते हो। जैसे यहाँ पर आपको जो 13 साल से लेकर 65 ईयर के ओल्ड लोगों को ऐड दिखाना है या कितने लोगों को आपको ऐड दिखाना है, यहाँ पर आप जो इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जो इसे 15 ईयर से लेके 45 ईयर तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग जो है उसी एज को सिलेक्ट करना जो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके या जो है आपके वीडियो को देख सके। तो अभी यहाँ पर मैं जो माइक प्रमोट कर रहा हूँ, तो जो 13 साल का बच्चे को अगर मैं ऐड दिखाऊंगा तो उसकी इंप्रेशन तो मुझे मिल जाएगी, पर वो क्लिक करके परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि 13 साल के बच्चे के पास पैसे कहाँ से होंगे। तो आप जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो एज सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मेल और फीमेल के, आप लोग जो है मेल और फीमेल दोनों में से किसको ऐड दिखाना चाहते हो। तो मैं जो दोनों को ऐड दिखाना चाहता हूँ, अगर आप किसी एक को दिखाना चाहते हो तो आपको जो एक पे चेक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है ऑडियंस क्रिएट हो चुके हैं, आपको जो ऊपर राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैं इस राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है हमने क्रिएट कर लिए कि इन्हीं ऑडियंस को हमें जो ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट या जो भी इमेज वगैरह है उस हिसाब से आप जो है अपनी टारगेट ऑडियंस को क्रिएट कर लेना। उसके बाद गाइस ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है राइट टिक का, आपको राइट टिक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो एरो मिल रहा है आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने जो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद मैं एरो पे क्लिक कर देता हूँ। एरो पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो बजट एंड ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलता है कि आप लोग जो है कितने दिन में या कितने रुपीज़ में कितने दिन तक ऐड को प्ले करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जो 80 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप जो बढ़ते बढ़ते 40,000 रुपये तक की ऐड दिखा सकते हो। यहाँ पर आपको जो 80 रुपये के ऐड में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका यहाँ पर जो भी बजट है आप यहाँ पर बजट सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको 120 रुपीज़ का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप जो 120 रुपीज़ से भी ऐड स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं जो अपना बजट को 80 रुपीज़ सिलेक्ट करता हूँ और ड्यूरेशन जो है 1 डे कर देता हूँ। तो गाइज़ मुझे जो है 80 रुपये में एक दिन के लिए जो है 1400 लेके 3600 लोगों तक की इंप्रेशन दे जाएगी। तो यहाँ पर आप जो अपने बजट और ड्यूरेशन को चेक कर सकते हो। ऊपर आपको जो इंप्रेशन दिखाया जाएगा कि कितने बजट में या कितने ड्यूरेशन में आपको कितना जो इंप्रेशन वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं जो यहाँ पर 80 रुपीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जो 120 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 150 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो इसे ड्यूरेशन भी बढ़ा देता हूँ और जो इसकी प्राइस है वो भी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आप जो अपने हिसाब से आप जितने भी दिन के लिए रन एड्स रन करना चाहते हो यहाँ पर आप जो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जो इसे 80 रुपीज़ सिलेक्ट करता हूँ और ड्यूरेशन जो है उसे 1 डे ही रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताने के लिए एड्स रन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपको जो बजट और ड्यूरेशन वो सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर आपको जो एरो मिल रहा है आपको इस एरो पे क्लिक कर देना होगा। एरो पे क्लिक करने के बाद हमारा जो बजट एंड ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप आती है रिव्यू की। तो रिव्यू में अगर आप देखोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू प्रमोशन का। आप जैसे प्रीव्यू प्रमोशन पे क्लिक करोगे तो आप लोग जो चेक कर सकते हो आप लोगों ने जो ऐड बनाई है वो किस तरह से लोगों को दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्रीव्यू प्रमोशन पे क्लिक करके। तो आप प्रीव्यू प्रमोशन पे क्लिक करने के बाद 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, फीड, स्टोरीज का, और वापस से आपको जो स्टोरीज का ऑप्शन मिलेगा।
तो अगर फीड पे कोई जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फीड पे अगर जाने के बाद मेरी ऐड जो है कुछ इस तरह से दिखाई जाएगी, ऊपर मेरी इमेज वगैरह आ रही है। और कोई भी इस माइक को परचेस करना चाहता है तो नीचे जो साइन अप का या लर्न मोर का जो ऑप्शन आ रहा है वो जो उस पर क्लिक करेगा, उस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली जो मेरे वेबसाइट पर चला जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप जो लर्न मोर, साइन अप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो प्रीव्यू में आकर चेक कर सकते हो कि वो बटन जो है किस तरह से दिख रहा है। अगर कोई स्टोरी में मेरी जो ऐड देखेगा तो स्टोरी में उसे इस तरह से दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि तीन स्टोरी मेरी यहाँ पर दिखाई जा रही है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्टली स्वाइप अप करेगा और डायरेक्टली जो मेरे वेबसाइट पे चला जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोरर का, अगर कोई इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको जो ऐड किस तरह से दिखाई जाएगी, तो सेम जिस तरह से हमारी फीड पे दिखाई जाती है उसी तरह से यहाँ पर आपको जो ऐड दिखाई जाएगी एक्सप्लोरर में भी। यहाँ पर हमने जो इसका रिव्यू तो कर लिया है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन दिखाया जाएगा, आपका ऑडियंस का नेम सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट समरी का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपकी एक्चुअल कॉस्ट दिखाई जाती है। यहाँ पर आपको जो कुछ टैक्स भी देना पड़ता है, जैसे कि मैंने 80 रुपीज़ का जो कॉस्ट है वो सिलेक्ट किया था, बट यहाँ पर मुझे 94 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इस ऐड के लिए। और ये जो मेरी ऐड है वो ड्यूरेशन एक ही दिन की है इसकी, तो एक दिन की ऐड चलेगी, यहाँ पर मुझे 94 रुपीज़ देना पड़ेगा, 21 रुपये का जो है यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरने है, जैसे आपका बिजनेस का नाम, तो बिजनेस के नाम में आप जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम या किसी कुछ भी नाम यहाँ पर आप जो ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह ऐड कर देना है, पिन कोड ऐड कर देना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो जैसे यहाँ पर आप अपनी बिजनेस इन्फो को ऐड कर लोगे आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप जो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है पेमेंट मेथड ओपन हो जाए। तो अभी मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, वापस से अगर आप पेमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमने अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जो है सेव कर ली। अब आपको पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने जो पेमेंट की मेथड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, UPI, बैंक ट्रांसफर और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो और पेटीएम से भी यहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जो UPI का यूज़ करूँगा यहाँ पर पेमेंट करने के लिए, तो आपके पास जो भी मेथड है आप मेथड से जो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तभी यहाँ पर मैंने जो 94 रुपये की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट प्रमोशन, आपको क्रिएट प्रमोशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है आई एक्सेप्ट का, तो यहाँ पर इनकी कुछ टर्म दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वरना डायरेक्टली आपको जो है आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नीचे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रमोशन का, आपको क्रिएट प्रमोशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो सारी डिटेल्स दिखाई जाएगी, अगर आप प्रीव्यू लेना चाहते हो तो वापस से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो। अभी मैं जो है क्रिएट प्रमोशन पे क्लिक कर देता हूँ और ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है थैंक यू योर प्रमोशन इज इन रिव्यू। तो यहाँ पर जो है लगभग 2 से 3 घंटा लगता है, 2 से 3 घंटे बाद मेरा जो यहाँ पर प्रमोशन स्टार्ट हो चुका था और अच्छे खासे इसमें मुझे लाइक भी मिल गए। हो सके तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर गाइस इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप जो इंस्टाग्राम पर एड्स को रन करा सकते हो। और जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई, अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, वहाँ पर गेम खेलते हो या आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर को रेफर करते हो, तो वहाँ से आपको जो अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाएगी और उसी इनकम से यहाँ पर आप जो इंस्टाग्राम पर एड्स को रन करा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।